फ्रैक्शन डिवीजन करेंगे। इसमें सबसे पहले आप देखें, माप जो ये क्वेश्चन जो है इसमें मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। उसका ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसको साइन वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे बताती हूँ, 3 टाइम्स 5, क्योंकि 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 15, और उसमें न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे, न्यूमिनेटर 1 है इसलिए +1, आंसर होता है 16। सो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 16 और 5 जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे, डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख देना। फिर डिवाइड साइन आएगा, इस तरह इस भी मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, तो 3 टाइम्स 2 जो है वो इस तरह 2 टाइम्स यानी कि 3 करेंगे, इस आंसर आ जाता है 6, और उसमें ऐड कर देंगे ये वाला न्यूमिरेटर तो आंसर आएगा 8। तो आपने लिखना है 8/3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है इसको कि 16/5 उसको वैसे लिखा, और डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, हमेशा जब भी डिवाइड आएगा फ्रैक्शन डिवीजन में तो आपने मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद इसको 8/3 है तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे जो न्यूमिनेटर 8 है वो नीचे लिख देंगे, और डिनोमिनेटर जो 3 था उसको हम ऊपर लिख देंगे, यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे इसको, इसका मतलब है कि ऑपोजिट करेंगे, 8/3 का ऑपोजिट करेंगे तो 3/8 आ जाएगा। उसके बाद इसमें आपने मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत फिर लंबा भी हो जाता है, तो बेस्ट होता है कि आप चेक करें कि क्या ऐसे करके कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, यानी कि किसी सेम टाइम टेबल में दोनों नंबर आते हैं, तो हमें पता है कि ये 8 जो है वो 16 में भी आता है, इसलिए इसको डिवाइड करेंगे 8 के साथ तो आंसर आ जाएगा 1। इसको भी हमने डिवाइड बाई 8 किया तो आंसर आ जाता है 2, यानी ठीक है। और इस तरह चेक करेंगे तो ये नहीं डिवाइड हो सकती किसी भी टाइम टेबल में, तो बस फिर आपने इसको इधर जो नंबर आए थे 2 टाइम्स 3 थे तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 2 था और ये 3 है, तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर 6 आ जाएगा। और इसी तरह 5 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आंसर आएगा 5। ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक भी कर सकते हैं, इसको फर्दर भी कर सकते हैं कि ये देखें, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो न्यूमरेटर बिग है, तो आप इसको दोबारा फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे कि 5 इधर लिखेंगे, जो न्यूमरेटर उसको अंदर लिख देंगे, इसके साथ डिवाइड किया 5 अंदर 5, टेक अवे किया आंसर 1 है, तो इसको 6/5 इसका आंसर हो सकता है। और यहाँ पर हम इसको कहेंगे 1 होल, ये जो 1 है इसको हम यहाँ लिखेंगे, इसको कहते हैं होल, और जो जो हमारे पास रिमाइंडर है उसको ऊपर लिख देंगे, और इसको 5 को डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।